8 सीटों में से 63 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर चुकी है। इसी के साथ साथ मुझे बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि मात्र 5 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार कामयाबी के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, स्थानीय जनता का धन्यवाद करती हूँ कि जब नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार जा रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में एक भारी उत्साह देखा गया। मैं खुद शिमला से पूरा बिलासपुर होते हुए मंडी में हर जगह नामांकन रैलियों को हमने संबोधित किया और उसके बाद आज मैं शिमला में आपसे बात करने आई। भाजपा अभी तक कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती है। इन टिकटों में देखने आया कि परिवारवाद के मुद्दे पर खुद भाजपा बुरी तरह से गिरती हुई बेनकाब होती हुई दिख रही है। परिवारवाद इतना हावी हो गया भाजपा में कि जिन 10 विधायक और मंत्रियों की टिकट कटी, साफ बात है उनके खिलाफ पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में और जनता में सबसे ज्यादा रोष था। बहुत ही टिकट भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भाजपा ने काटी। बहुत ही टिकट पूरी तरह से निष्क्रिय थे, विकास कार्य नहीं हो पाए, जनता में गुस्सा था, उस गुस्से को कम करने की एक कोशिश भाजपा ने, जिसका असर यह है हमारे जो इक्का दुक्का नेता धन बल के लालच में, सत्ता के लालच में ईडी सीबीआई के डर के चले गए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें लेकर आई हूं, आप ही अखबारों की सुर्खियां बनी, भाजपा चोर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं लगातार भाजपा का एक कार्यकर्ता। स्वागत है इन सभी का। अजय महाजन जी हमारे उम्मीदवार है, उनके नेतृत्व में वो ज्वाइन किए हैं। धर्मशाला भाजपा मंडल में 100 से अधिक इस्तीफे हुए हैं और सभी लोग कार्यकर्ता जो हताश निराश होकर भाजपा से कांग्रेस में आने का देख रहा है। 30 परिवारों ने थामा पद्दी, 30 परिवारों ने थामा कांग्रेस का दामन। मैं अभी हमारे नेता रामकृपाल सिंह जी की विधानसभा से उनका नामांकन करा कर रहा है, वहां पर सिटिंग विधायक का टिकट कटता और वहां पर बाहरी लोगों को दिया जाता है। उनके मंच पर उपस्थिति 100 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी जो है कांग्रेस शामिल हुए और अभी बहुत से कार्यकर्ता भाजपा के शासन काल में बढ़ते भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री के निगम में पन, विकास कार्य की सिर्फ खोखली घोषणाएं भी करोड़ों रुपए की बात की गई लेकिन हकीकत नहीं हुई। तो सब आप देखेंगे कांग्रेस के अगले कुछ दिनों में प्रस्तावित है, दिल्ली तक उनकी सूची गई हुई है, देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा ज्वाइन ना हो इस पे कोई भी विवाद। रिवाज बदलने उत्तरी भाजपा के 8 नेता बागी, आजाद को की चुनावी ता, बहुत से इनके विधायक जिनकी टिकट कट गई है, ये रिवाज बदलने की बात करने वाले यहां से साबित हो रहा है कि बदलने वाले सरकार। बगावत शांत करने आज बिलासपुर पहुंच रहे नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, दिल्ली में रहते हैं त्योहारों पर दिवाली पर क्योंकि देश भर का भाजपा का नेतृत्व मुख्यमंत्री सब जैसे आते दिवाली की बधाई दे। इस बार नड्डा जी की भी दिवाली फीकी कर दी, नड्डा जी दिल्ली नहीं देश भर से अपने मुख्यमंत्री मंत्री नेताओं को मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बिलासपुर में उनको बैठकर ये भी बात मुख्यमंत्री का समय अब काम दिख रहा है, घोषणा हो चुकी है काम नाउ शुरू। 21 बचे हैं सुर्खियां, असंतुष्ट नेताओं को मनाने उतरे हैं, जनता की जाने का समय अब नहीं है, अब अपने असंतुष्टों को मनाने उतरे। भाजपा ने 11 विधायकों के टिकट काटे, एक मंत्री के बेटे को दिया टिकट, 11 विधायकों के मंत्रियों के टिकट काटने के ऊपर बहुत अच्छी सरकार चल रही थी ना, मंत्रियों को तो नवाजा जाना चाहिए था, विधायकों को दोबारा टिकट दी जानी चाहिए थी। ये नुकसान उन 11 विधानसभा के मतदाताओं का 5 साल तक हुआ है और अब ये बदलते सोच रहे हैं, निवास बदलेंगे, चेहरा बदल देंगे।
बदलेगा तो जयराम ठाकुर जी सरकार बदलने का फैसला कर चुके मंत्री है महेंद्र सिंह जी परिवारवाद टिकट कटती है कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल रही वहां पर परिवार के अंदर ही बेटा और बेटी लड़ रहे हैं घर के अंदर ही टिकट गए बेटे बेटा बेटा जीत रहे बेटी ने कहा घर का महिला विरोधी बेटी को नहीं बेटे को हक देते छह जगह 10 सिटिंग विधायकों टिकट कटे और दो मंत्रियों की सीटें बदल रहे कुछ मंत्री निपट गए कुछ विधायक निपट गए कुछ की जगह बदलनी पड़ गई कि इस विधानसभा से लड़ेंगे तो दोबारा वोट नहीं मिलेगा लेकिन अगर टिकट कटी तो बगावत होगी इसकी अगली सीट पर देख लीजिए क्योंकि यहाँ के लोगों को गुमराह करके उनका नुकसान किया विकास नहीं किया अब दूसरे लोगों को जाकर गुमराह कर बेटी को मनाने पत्नी के साथ उनके घर पहुंच रहे हैं महेंद्र जी और महेंद्र जी भी मंत्री रहे प्रचार करना चाहिए बेटे के लिए लेकिन वो पूरे घर में मनाने का काम कर रहे हैं जब जल शक्ति मंत्री महेंद्र की बेटी बगावत वंदना की भाजपा से बगावत जल शक्ति मंत्री शक्तिहीन हो गए हैं घर की लड़ाई से बाहर निकलेंगे तो जल मंत्री के तौर पर क्या किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी इनके सबूत दिए थे और मुझे ही कहा कि अलका लांबा माफी मांग मुझसे माफी मंगवा रहे थे और आज अपने घर के क्लेश से परिवार बाद में जो टिकट है वहां टिकट कटने के बाद समर्थकों के भी छलके सुभाष ठाकुर जी के आंसू सुभाष ठाकुर जी के आंसू कार्यकर्ताओं के बीच में छलक रहे हैं कि बिलासपुर की खबरें आ रही है ये आंसू में डूबे भाजपा के नेता क्या ताकत देंगे किन मुद्दों पर जाएंगे ये सब है सिलसिलेवार हेडलाइन अखबारें सुर्खियां बनी हुई है भाजपा में बगावत के स्वर आइए विधानसभा वाइज लेकर चलती हूं मंडी में बगावत बड़सर विधानसभा में बगावत बैजनाथ में बगावत द्रंग विधानसभा में बगावत और आरोप क्या है द्रंग विधानसभा में बगावत को तैयार बीजेपी का बड़ा धड़ा पूरन चंद को बताया पैराशूटी यानी कि पैराशूट से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं टिकट न मिलने पर भाजपा नेता दिखा रहे हैं बगावती सुर हेडलाइन सुर्खियां पूरे जेपी नड्डा के घर में बगावत की बू नालागढ़ में भी पार्टी के लिए दिक्कत आ चुकी विधायक नेहरिया की टिकट काटकर राकेश को देने पर बगावत ये कहां की है धर्मशाला में सोलन में भाजपा को अपनों को मनाना एक चुनौती बना हुआ है आ जाइए विरोध की चिंगारी को सुलभता दे डैमेज कंट्रोल में चुकी 30 दिन का चुनाव है भाजपा कहां व्यस्त है यहां व्यस्त है आजाद प्रत्याशी के एन ठाकुर ने समर्थकों के संग निकाली धारा बंदी विधायक टिकट कट रही है कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं घरों को विधायक निर्दलीय कर रहे हैं पैराशूट उम्मीदवारों को लगातार कर सोम में सुनवाई नहीं की तो की लिया आजाद करने का फैला कर सो फिर नालागढ़ की खबर भाजपा जीते की बगावत अब आप देखिए इनकी भाषा बौखला गई भाजपा बागियों भाजपा ने बागियों को दिखाया अनुशासन का चाबुक जैसे वो आपके कार्यकर्ता नहीं कोई जानवर है चाबुक भाजपा कितनी बौखला गई है कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर आपने हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई आज वो कार्यकर्ता बाहर से आए लोगों को पैराशूट से उतारे नेताओं को टिकट देते हैं तो आप कहते हैं चाबुक चलेगा ये भाजपा के कार्यकर्ता मैं कुछ भी कहूं जीत हार अपनी जगह है राजनीति अपनी जगह है राजनीतिक दल पर हर कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए शाम कहीं हो रहे असंतोष के स्वर आनी मंडल एक और है आनी मंडल भाजपा का सामूहिक इस्तीफा हो चुका नाराज कार्यकर्ताओं का नहीं थम रहा दोष ये थी आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जब तक चुनावों की आचार संहिता नहीं लगी थी भाजपा हम पर परिवारवाद के आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और हमें जो है टूटता हुआ दिखा रही थी आज भाजपा जो है खंड खंड हो चुकी